आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक महाराष्ट्र सरकार की मंत्री व स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य वर्षा गायकवाड़ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में महाराष्ट्र सरकार की मंत्री व स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को आरक्षण देगी, जिसको देखते हुए महिला प्रत्याशियों से बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतर महिलाएं जिला पंचायत सदस्य, प्रधान या विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर महिलाओं को मोबाइल, साइकिल, लैपटॉप और सरकारी बस से यात्रा निःशुल्क कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने कहा, और 2015 में हमको हरा दिया गया था जानबूझकर। इसलिए फिर हम समाज सेवा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। 2005 से समाज सेवा हम कर रहे हैं। पूरा नाम क्या बताया आपने? नाम नीलम ओझा। ओझा मतलब ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण। मेरा ये कहना है मैडम कि आपको अच्छा है, आपको जिला पंचायत में चुनी जा रही है, तो आपको संगठन का भी अनुभव होगा, इलेक्शन का भी अनुभव होगा। जी नहीं, हमारी फैमिली नहीं है, हमारे पति हैं, हमारे देवर हैं और बड़े भाई भी हैं। आप जाते कैसे हो, प्रचार कैसे कर रहे हैं? हाँ, गाँव में पैदल जाते हैं। जी पब्लिक रहती है गांव में, हर गांव में पैदल जाते हैं प्रचार करने। जिला परिषद से कितना वोट पाए थे आप? देखिए, आज गोरखपुर में जो है वो डिविजनल लेवल पे सबसे मिलने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं किस तरह से आगे आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मजबूती से हम खड़े रहें, कार्यकर्ता का संगठन में किस तरह से ताकत दे सके, इसीलिए हम यहाँ पे आके जो आज यहाँ पे बैठ रहे हैं, सभी से मिलने का काम कर रहे हैं ताकि लोगों का, क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोगों का सुनती है, कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करती है और सबसे साथ में लेके चलने का काम करती है। तो आज इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, सबसे बातचीत करें। देखिए, आपको भी मालूम है कि हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने जो है वो प्रतिज्ञा दी है, जिसमें महिलाओं को जो है वो 40% जो है वो रिजर्वेशन की बात की है, सीटों की बात की है। आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे महिलाएं यहाँ पे भी आई है और अपना ओपिनियन रख रही है, बता रही है कि किस तरह से इलेक्शन में वो लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ जिला पंचायत लड़ चुकी है, कुछ संगठन से यहाँ पे महिलाएं आई हैं, तो वो एक बहुत बड़ी, आज मैं समझ रही हूँ कि जिस संख्या में महिलाएं मिलने आई हैं तो महिलाओं में कहीं ना कहीं उत्साह का वातावरण है। हम बेटियों को पढ़ाने की बात करें, उसको साथ में उनको मोबाइल देने की बात कर रहे हैं, साइकिल देने की बात कर रहे हैं, टैब देने की या लैपटॉप देने की बात कर, तो एक शिक्षा में अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं। किसान के लिए तो लड़ाई आपको पता है कि कंटिन्यूस लड़ी जा रही है, चाहे बरिश में रहे चाहे बाकी रहे, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ने का काम यहाँ पे प्रियंका जी कर रही है। और जिस तरह से आपको भी पता है कि ये सरकार जो बनी है और जिस सरकार की जो पॉलिसी रही है उसके खिलाफ लड़ने का काम, क्योंकि गरीब की आवाज़ उठाने का काम अगर कोई करता है तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने वो आवाज़ उठाने की, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जैसे मैंने कहा कि पिछड़ा हो, इनकी आवाज़ बन के प्रियंका जी अभी यहाँ पे उतर रही है। और मैं जिस तरह से देख रही हूँ, जिस तरह से संगठन की बात हो या महिलाओं के यहाँ पे आके बैठ के अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है हमारे लिए जो है वो नई लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अच्छा काम इस माध्यम से हो रहा है ये मैं आपसे कहना चाहूँगी।